आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा होने के बाद राहुल गांधी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस हेमंत हुआ प्रचारक की कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई होगी। 20 अप्रैल को सूरत की सेंसस बोर्ड ने राहुल गांधी को राहत देते हुए इनकार कर दिया था, उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल बीते 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी किया था, जिसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ सूरत की कोर्ट में केस दर्ज कराया गया था। कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। होने के बाद राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए 3 अप्रैल को सूरत की सेंसस कोर्ट में रेगुलर बेल के साथ 2 साल की सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की, ताकि अगर कोर्ट उन्हें दोष मुक्त कर देता है तो उनकी संसद सदस्यता फिर से बहाल कर दी जा सके। हालांकि 20 अप्रैल को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और अब निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।